वैन यू हैव लिटरली 5 मिनट ना, तो ये मेकअप लुक आपके जूम मीटिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब गाइज? आज की वीडियो बहुत रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक लुक शेयर करूंगी जो लिटरली 5 मिनट लेगा एंड आपके ओवरऑल लुक को बहुत अच्छे से एनहांस कर देगा। सो लॉकडाउन की वजह से हम लोग घर से ही काम कर रहे हैं, जूम कॉल पे हमें हमारा कैमरा बंद करना पड़ता है, बट कभी कभी बॉस बोल देता है कि कैमरा स्विच ऑन करके दिखाओ, या फिर कुछ मीटिंग हो जाती है अर्जेंटली, तो उस टाइम हम अपने आप को कैसे प्रेजेंटेबल दिखा सकते हैं वो मैं आपको शेयर करूंगी। ऑफ कोर्स ये कोई फुल मेकअप ट्यूटोरियल नहीं होने वाला है, सो 5 मिनट में जैसे सिंपल हम कर सकते हैं मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले अपनी स्किन को प्रेप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके चाहे मीटिंग हो चाहे ना हो, आप घर पे हो चाहे मेकअप अप्लाई कर रहे हो ना कर रहे हो, स्किन को प्रेप करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक बार ये टाइप कर लेती हूँ। सो स्किन को कभी भी ऐसे स्किप ना करें, अच्छे से अपनी स्किन को प्रिपेयर करें। प्रिपेयर करने का ये मतलब नहीं है बहुत सारे प्रोडक्ट लगा रहे हो अपने फेस पे थोप रहे हो, जो आप नॉर्मल सीटीएम रूटीन करते हैं वो कर सकते हो, या फिर सिर्फ एक मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हो। सो जो भी मैं प्रोडक्ट आज की वीडियो में यूज करने वाली हूँ सभी का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ये सारे प्रोडक्ट आपको मेरा लिंक पे भी मिलेंगे। एंड कोरोना के जितने भी सेफ्टी मेजर्स के प्रोडक्ट होते हैं लाइक सैनिटाइजर हो गया, मास्क हो गया, डिसइंफेक्टर हो गया, जो भी है वो भी आपको मेरे लिंक पे मिल जाएंगे। स्पेशली एक कूपन कोड है जिससे आपको 40% ऑफ मिल सकता है, वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी इनकेस अगर आपको चेक करना है तो। सो मेरा लिंक बेसिकली एक ऑनलाइन पेज है जहां पर आप मैं जो भी यूज करती हूँ ना वो सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। सो ये होती है बात। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने स्किन प्रेप की। सो स्किन प्रेप के लिए आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, अगेन जो भी मैं प्रोडक्ट दिखाऊंगी वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये सीरम यूज कर रही हूँ। सो अभी हरियाणा में थोड़ा सा ना ह्यूमिडिटी वेदर हो गया है, तो इसीलिए मैं सीरम यूज करती हूँ। आप चाहे तो मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हैं। सो ये तो हो गया मेरा फेस रेडी। मैं इतना ही करती हूँ, ज्यादा कुछ नहीं करती हूँ, मॉर्निंग एंड नाइट में यही रहता है। एंड देन मैं अप्लाई कर रही हूँ लिप बाम, ये लनेज की है। सो इवन न्यू ली है ऐसे, ये मेरा फर्स्ट ही लनेज का टब है, काफी अच्छा है। सो या, सो मैं चाहे घर में रहूं चाहे बाहर हूं, अगर मैं बिल्कुल मिनिमल मेकअप भी कर रही हूँ या मैं कॉम्पैक्ट भी लगा रही हूँ तो हमेशा मैं एक प्राइमर लगाती हूँ। प्राइमर से बेसिकली हमारे पोर्स ब्लर आउट हो जाते हैं, एंड थोड़ा सा मुझे लार्ज पोर्स का इश्यू होने लगा है जब से मैंने मेकअप स्टार्ट करा है। अगर आप कंटिन्यूअसली मेकअप लगाते हो ना तो ये एक ड्रॉबैक है। सो मैं थोड़ा सा यहाँ पर प्राइमर यूज कर रही हूँ, कलर बार का बिल्कुल थोड़ा सा लिया है, और मैं अपने स्पी जोन पे अप्लाई कर रही हूँ ताकि जो भी पोर्स है वो अच्छे से फिल हो जाए। मैं फाउंडेशन नहीं यूज करती हूँ डेली बेसिस पे, मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी कि आप डेली बेसिस पे ना यूज करें, एक सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। बट 5 मिनट में हम इतना ही कर सकते हैं, ज्यादा हमें नहीं करना होता। उसके बाद अगर आपको डार्क सर्कल है बहुत ज्यादा तो आप कंसीलर यूज कर सकते हैं, वैसे मैं यूज नहीं करती हूँ डेली बेसिस पे बिल्कुल भी। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ कंसीलर अगर है आप है तो कैसे यूज कर सकते हैं। जो भी आपको यूजुअल एरियाज लगता है, आपको जहां पे भी ब्लेमिशेज है वहां पर आप लें, एंड देन अपनी फिंगर का यूज करें, सॉरी ये वाली फिंगर लें एंड इससे अच्छे से ब्लेंड कर लें। सो लिटरली 5 मिनट्स लगते हैं ऐसे करने से। एंड कंसीलर तभी यूज करें जब आपको लगता है आपके डार्क सर्कल्स हैं, अगर बहुत लाइट डार्क सर्कल्स हैं तो वो सब कॉम्पैक्ट से भी कवर हो सकता है, तो उसके लिए आपको कोई भी अलग से प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है। जितना हो सके उतना कम लेयर अप करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पर हो गया, सो मैं इसको कर रही हूँ। लिटरली आज का मेकअप नो मेकअप मेकअप लुक है जो 5 मिनट में आपको बस प्रेजेंटेबल बना सकता है। सो दैट्स इट। इसके बाद एक कॉम्पैक्ट लें, फुल कवरेज लेना है या फिर थोड़ी सी कवरेज से वो ले सकते हो। सो मैं SFR का कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ, ये बहुत अफोर्डेबल है। हमेशा ब्रश हैंडी रखें क्योंकि कॉम्पैक्ट वगैरह जो भी है वो ब्रश से ज्यादा अच्छे से लगता है, एंड ये आपको बहुत डिसेंट कवरेज भी देता है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैक का जो स्टूडियो परफेक्ट आता है एक पाउडर फाउंडेशन वो ले सकते हैं, बहुत अच्छे रिव्यूज हैं उसके। अभी मैं जब अच्छी सी अर्निंग होने लगेगी तब मैं उसी में इन्वेस्ट करूंगी, अभी के लिए ठीक है ये।
सो लॉट्स ऑफ पाउडर, क्योंकि बहुत ह्यूमिडिटी वेदर होता है एंड जूम मीटिंग आराम से 48 मिनट्स से लेके 50 मिनट्स दिन चलती है जूम पे। अगर किसी ने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो ऑलमोस्ट काफ़ी लंबी चल सकती है। तो इसलिए अपने फेस को सिक्योर करो ताकि अगर पसीना भी आ रहा है तो इतनी जल्दी आपका मेकअप है वो ना जाए और आपका फेस थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगे। उसके बाद मैं अपने फेस पे थोड़ा सा ब्लश देती हूँ। मुझे ऐसे फ्लैट फेस बोल रहा था मैंने, सॉरी, फ्लैट फेस मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। आपने मेरी हर वीडियो में देखा होगा मुझे अपने चिक्स पे ब्लश बहुत पसंद है। वैसे मैं चब्बी फेस की हूँ तब भी मुझे अपने चिक्स पे थोड़ा सा ब्लश बहुत पसंद है। तो इसलिए मैं शिवाना की पैलेट ले रही हूँ। आप कोई भी ब्लशर ले, हल्का सा ले लें एंड उसको हल्का सा अप्लाई कर दें। ज्यादा अप्लाई करने की बिल्कुल नीड नहीं है, बिल्कुल लिटल 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 जितना हो सके उतना थोड़ा। देखो मैं कॉम्पैक्ट वगैरह कुछ यूज नहीं करती एंड दैट्स इट। ठीक है, इसी को मैं ले रही हूँ एक फ्लफी से ब्रश पे एंड इसमें से जो ये ब्राउन एंड पिंक आई शेडो है ये लिया है मैंने एंड इसको मैं अपनी आईलिड पे अप्लाई करूंगी। लिटरली मुझे ना ये वाला शेड अपनी आईलिड पे ज्यादा अच्छा लगता है। इससे लगता है मुझे कि थोड़ी सी डेप्थ मिली है। बिल्कुल ऑप्शनल है सारी चीजें, करना हो करो अदरवाइज स्किप कर दो। सो ये लुक ऐसा हो जाएगा कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, चिट चैट, गेट रेडी, सो गेट रेडी विद मी हो रहा है। सो दैट्स इट। सो इतना सा बहुत है, बहुत है, बहुत है। उसके बाद मैं ट्राई कर रही हूँ मस्कारा। लिटरली मस्कारा ये हमारे आईलैशेस को बहुत अच्छे वॉल्यूम देता है। लॉट्स ऑफ मस्कारा, मुझे पूरे मेकअप में जो टाइम लगता है वो ये मस्कारा लगाने में ही है क्योंकि मुझे डर लगता है कि मेरी आईज को पॉप कर देगा। ऑल्दो मुझे 2 साल हो गए हैं मेकअप करते हुए, फिर भी मुझे मस्कारे से भी बहुत डर लगता है। अच्छा, बच गया जो, उसको मैं अपने आईब्रो पे कर रही हूँ। चाहे तो आप अलग से आईब्रो प्रोडक्ट है वो ले सकते हो बट यू कैन सी थोड़ा सा अलग से डिफरेंस मिल जाता है। सो मैं यही कर रही हूँ। लिटरली कोई आपके आईब्रो को इतना ध्यान से नहीं देखेगा कि आपने कितने अच्छे से फिल करी है। जूम मीटिंग है तो प्रेजेंटेबल भी रहेगा एंड आपके अच्छे से आपके प्रोडक्ट को लगा देगा। सो कई बार क्या होता है, मस्कारे का जो एप्लीकेटर होता है ना उससे ज्यादा लग जाता है, तो फिंगर लो एंड जस्ट रिमूव इट, जो भी एक्स्ट्रा होगा वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद मैं मैक का फिक्स प्लस ले रही हूँ। ऑल टाइम फेवरेट है, समर में बहुत काम आता है। तो अच्छा सा कोई फिक्स प्लस लो, शेक करो एंड अप्लाई। लास्ट आई जस्ट लास्टली अप्लाई अ लिपस्टिक। सो मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पर ये ब्राउन लिपस्टिक, डार्लिंग इसा में लकी है इन द शेड गोल्ड ब्राउन रॉयल्टी 3। काफी प्रिटी ब्राउन है। एवरीडे में मैं न्यूड वाला जो नायका का कलर है वो भी यूज करती हूँ, मेटलिशियस लिप क्रेयॉन। बहुत अमेजिंग कलर है, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं बट अफोर्डेबल वन है ये। सो इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ। आपको लग रहा है कि आपका ब्राउन कलर ज्यादा हो गया है तो अपना कॉम्पैक्ट फिंगर पे लो एंड जस्ट डैब इट। एंड दिस इज माय फाइनल लुक, यू कैन सी। मैं डेली वेयर में इयररिंग्स बहुत कम वेयर करती हूँ। अब चाहे तो वेयर करे चाहे तो स्किप कर दे, वो बिल्कुल आपकी अपनी चॉइस है। बट एवरीडे मेरा मेकअप ऐसा ही होता है, लिटरली 5 मिनट्स लगते हैं। वो तो मैंने समझाने वगैरह में आपको 10 मिनट लगा दिए बट ऑल्दो 5 मिनट्स में इस तरह का मेकअप लुक हो जाएगा जो आपको बहुत पुट टुगेदर एंड थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बना देगा। ऑफकोर्स तो आपकी जूम मीटिंग बहुत अच्छे से जाने वाली है, यू कैन सी।
सो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल हो। इसी तरह की और सच वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन है उसे क्लिक कर देना ताकि आपको हर बार वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो जितने प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर यूज करे अगेन उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।